हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के लिए, लेकिन अपनी बातचीत को कंटिन्यू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना ज़रूरी समझता हूँ। पहली रिक्वेस्ट दोस्तों ये है कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले देख पाएंगे। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के अंदर हम लोगों ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखा था अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला। दोस्तों, लास्ट के 5 दिनों के चार्ट को अगर आप देखेंगे तो लास्ट के आप देख सकते हैं, आपके सामने मैंने लगाने की कोशिश करी, लास्ट के 5 ट्रेडिंग सेशन की क्या सिचुएशन आप देख सकते हैं। दोस्तों, इसके अंदर लोअर सर्किट लग रहा था लेकिन सिचुएशन टर्न हुई। एक महीने में इसका लो है 2.9 का, 9th जुलाई का है, और हाई है 4.3 का 20th जुलाई का। अब जुलाई एंड हो गया, आपको पता ही है आज 31st जुलाई है, और अगस्त के महीने में किस तरीके से परफॉर्म करता है ये हम लोगों को देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। देखिए, 12 अगस्त तक इस कंपनी को अपने टेलीकॉम सर्विसेज को कंटिन्यू चलाते रहने के लिए जो है रिलीफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की तरफ से दे दिया गया है। 12 अगस्त को इसके ऊपर सुनवाई होगी और लाइसेंस को कैंसिल नहीं करना है या करना है, ये सारी बातें उसी के हाथ में है, यानी ट्रिब्यूनल यानी NCLT ही डिसाइड करने वाली है। इस कंपनी के अंदर अगर देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 871.14 करोड़ रुपए। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा इसके अंदर क्या डिलीवरी स्टेटस है, ये बात आपको ज़रूर पता होना चाहिए। देखिए, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर हम देखें तो रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के अंदर 30th जुलाई 2021 के अंदर 37.8% की डिलीवरी उठाई गई। इससे पहले 29th जुलाई को 52.7% की डिलीवरी उठाई गई थी। दोस्तों, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग से गुजर रही है, आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है। मुकेश अंबानी बहुत ही चालू चीज़ है, आपको पता है ये कूड़ेदान से कूड़े के अंदर हीरे जो छुपा होता है, छुपे हुए हीरों को तलाशने की क्षमता रखता है। मुकेश अंबानी को बहुत अच्छे से पता है कि रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड को अगर NCLT के अंदर से उठाएगा तो ये कंपनी एक कूड़े के रेट से मिलेगी, लेकिन ये कंपनी अपने आप में कूड़ा नहीं है, अपने आप में ये एक बढ़िया दमदार कंपनी है। दोस्तों, इसके फंडामेंटल्स को आप देख करके जज ना करिए, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स को छोड़िए, कंपनी के पास जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो इस कंपनी के लिए एक हीरा के बराबर है। आपको लगे या ना लगे, मुकेश अंबानी को इस बात की परख करना बहुत अच्छे से आता है, आपसे अच्छे से आता है, मुझसे अच्छे से आता है उनको। तो इस कंपनी के एंटरप्राइज बिजनेस को, कस्टमर सेंटर जो डेटा सेंटर का जो बिजनेस है उसके लिए ये कंपनी अपने आप में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। अगर इसके पास कर्जा ना हो तो मुकेश अंबानी आज इस कंपनी को पहले ही ले चुका होता, लेकिन इस कर्जे की वजह से मुकेश अंबानी की जीव जो टंग होती है ना, इस कंपनी तक पहुँचने की कोशिश तो कर रही है लेकिन जीव लुपलुपा रही है, जीव को अंदर बाहर कर रहा है, क्योंकि उनको पता है कि इस कंपनी के पास अभी कर्जा है। जब तक कर्जे का मामला साफ नहीं होता तब तक अभी बस बचाए रहो, दूसरा कोई हाथ ना लगाए, इस बात का मेक श्योर करके रखो। रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के पास दोस्तों कर्जे का मामला जैसे ही सेटल डाउन हो जाता है, अब चाहे जैसे हो इसके बारे में किसी को नहीं पता, चाहे बैंक्स हेयर कट कर लें 90% हेयर कट करें, 75% करें, 85% करें, जितना करना है उतना करें। अब यहाँ पे देखो, NCLT के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का मामला अगर सॉल्व हो जाता है तो यहाँ पे ऑपरेशनल क्रेडिटर के लिए जो ड्यू देने की बात थी वहाँ इसका मामला शांत हो जाएगा, बैंकों का मामला फिर शांत हो जाएगा। तो इस कंपनी की तरफ मुकेश अंबानी की नज़र पड़ी हुई है ताकि वो अपने जियो के बिज़नेस को उठा सके, जियो के बिज़नेस को बड़ा कर सके।
ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है, मुकेश अंबानी जिस फील्ड में होते हैं उस फील्ड में जो एग्जिस्टिंग लोग अपने बिजनेस को कर रहे होते हैं, या तो वो बिजनेस छोड़ के भाग जाते हैं या उनका बिजनेस मुकेश अंबानी के बिजनेस में मर्ज हो चुका होता है। अगर आपको ये मेरी बातें एक तरीके से ऐसा लग रहा है आपको कि ये जो मैं बोल रहा हूँ ये कहीं न कहीं उतना ज़्यादा इरिलेवेंट है, रिलेवेंट नहीं है, तो आप पीछे जा करके एक बार देख लीजिए, हिस्ट्री चेक कर लीजिए, रिलायंस जियो को देख लीजिए, या फिर आप इसके अलावा पेट्रोकेमिकल के फील्ड में देख लीजिए। अब रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में भी एक कंपनी कूद चुकी है और सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड जैसी छोटी मोटी, वैसे सुजलॉन छोटी कंपनी नहीं है, अपने आप में बहुत बड़ी है, लेकिन लॉस के चलते हो सकता है वो कमज़ोर पड़े। लेकिन कुछ भी हो, जियो की तरह जो रिन्यूएबल सेक्टर में रिलायंस इंडस्ट्री ने कदम रखा है, वहाँ पे भी ये दूसरे के बिजनेस को ऑक्यूपाई करने की कोशिश जरूर करेगा। जहाँ पे भी, मेरा मेन मतलब बताने का कि रिलायंस इंडस्ट्री जहाँ पे भी कदम रखता है उस जगह पे दूसरा जो कॉम्पिटिटर होता है या तो वहाँ से हट जाता है या फिर वो मर्ज हो जाता है। बहुत ही मुश्किल तरीके से वो रिलायंस के साथ टक्कर में आ पाता है। सबसे बढ़िया इसका एग्ज़ाम्पल है टेलीकॉम सेक्टर, आप खुद देख सकते हैं, आप खुद समझदार हैं। एयरटेल के अलावा कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो रिलायंस के साथ सीधे हेड टू हेड टक्कर दे सके। वोडा आइडिया की सिचुएशन कर्जे की वजह से नीचे हो जाती है, अदरवाइज़ वोडा आइडिया टक्कर दे सकता था। ओके, तो दोस्तों आप लोगों को तैयार रहना है, आगे जो कुछ होगा हम लोग बातचीत करेंगे, आगे रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड को लेकर के अपडेट आती रहेगी, मैं आपसे बातचीत करता रहूँगा, आगे बहुत सारी चीज़ें बतानी है। अब तक, तब तक अपना ख्याल रखिए। दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो, टेक केयर।